दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुखदेव कंबोज और एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। अगर स्टडी शॉर्ट पर आप नए हैं तो कीजिए स्टडी शॉर्ट को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसे लगती हैं। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है, जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, स्पेशल जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके लिए महंगाई भत्ता जो है 5% बढ़ा दिया गया है। काफ़ी दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि 5% मिलेगा कि 4% मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर के आज ही के पेपर में ये जो है न्यूज़ आई है कि दिवाली गिफ्ट दिया जा चुका है, तो जल्द ही आपको ये बढ़ा हुआ वेतन आपके खाते में मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या खबर आई है। दिवाली गिफ्ट दिया गया, केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता जो है 5% बढ़ा दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को अपने 50 लाख कर्मचारी व 65 लाख पेंशनर्स को, जो पेंशनर्स हैं उन पर भी ये लाभ मिलेगा, उनका भत्ता 5% बढ़ा करके 17% करने की मंजूरी दे दी है। तो बड़ी देरें जो हैं 1 जुलाई से लागू होंगी। तो दोस्तों ये इजाफा जो है 1 जुलाई 2019 से लागू होगा और जो भी एरियर बनेगा जब भी ये आपको मिलेगा तो बाकी का एरियर आपके खाते में आ जाएगा। यह इजाफा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार हुआ है। उधर सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को मिलने वाली सहायता को आधार से जोड़ने की समय सीमा भी 30 नवम्बर तक बढ़ा दी गई है। इससे किसानों को इस रकम की तीसरी किस्त मिल सकेगी, तो ये किसानों के लिए भी अच्छी बात है। और इसके साथ ही दोस्तों एक खबर और जुड़ी हुई है कि हमारे जो सेना के जो हमारी सेना है उसके लिए भी एक अच्छी खबर है कि पीओ के हर विस्थापित परिवार को 5.5 लाख रुपये मिलेंगे। पहले जो कश्मीर में मुद्दा चल रहा था जिसके कारण पीओ के से इधर जो है विस्थापित हो गए थे लोग, वो अगर वापस आकर के जो बस रहे हैं ऐसे परिवार जो 5300 परिवार हैं उनको 5.5 लाख रुपये का मुआवजा देना ये सरकार ने निश्चित किया है। तो दोस्तों ये आज की हमारी मेन खबर थी कि दिवाली गिफ्ट दिया जा चुका है केंद्रीय कर्मचारियों को और जल्द ही आपको ये 5% का लाभ जरूर दिया जाएगा और इससे मिनिमम सैलरी जो है आपकी 1500 रुपये मिनिमम आपकी सैलरी बढ़कर आएगी। और अब इंतज़ार है कि कब केंद्रीय कर्मचारियों को जो है बोनस का ऐलान किया जाता है, क्योंकि दोस्तों बोनस भी अभी तक दिवाली का डिक्लेयर नहीं किया गया है। और बता दें कि रेलवे वालों को 78 दिन का बोनस डिक्लेयर हो गया है, बाकी केंद्रीय कर्मचारी अभी भी वेट पे हैं। और बाकी जो स्टेट्स के जो कर्मचारी हैं उनके भी, राजस्थान की अगर बात करूं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दी है कि जैसे केंद्र में बढ़ाया गया महंगाई भत्ता 5%, तो दिवाली से पहले पहले स्टेट में भी स्टेट के कर्मचारियों को 5% भत्ते का लाभ दे दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आज की महत्वपूर्ण खबर थी और इसी तरीके से स्टडी से रिलेटेड, नौकरियों से रिलेटेड और ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितनी तरह की जो न्यूज़ हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे दोस्तों। और इसी के साथ आप दीजिए मुझे आज्ञा और कीजिए स्टडी शॉट को सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।